हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल GKM इंदौर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जैसे कि स्टूडेंट, आपको इंतजार था किसका? गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज की जो काउंसलिंग है, किसकी? गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज की जो काउंसलिंग थी, किसकी? PNST की जो काउंसलिंग थी, उसका आपको इंतजार था सभी स्टूडेंट को कि सर इसकी जो काउंसलिंग होगी कब होगी, कैसे होगी, और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो सभी स्टूडेंट को मैं एक अपडेट दे देता हूँ कि स्टूडेंट, आप सभी के लिए खुशखबरी आ चुकी है, यानी कि जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज की काउंसलिंग है वो होने वाली है। यहाँ पे जैसे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है DHS PNST काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करने के संबंध में, यानी कि यहाँ पे जो अब इसकी जो PNST की जो काउंसलिंग कौन करवाएगा? आपकी DHS करवाएगा, PNST की काउंसलिंग करवाएगा। तो सभी स्टूडेंट रेडी हो जाइए इसके लिए कि आपकी जो काउंसलिंग होने वाली है। अब यहाँ पे मैं ले चलता हूँ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पे लिखा है प्री आवेदक DHS के अंतर्गत PNST का काउंसलिंग में दिनांक 1/9/2021 यानी कि स्टूडेंट स्टार्ट हो चुकी है आज से। यहाँ पे 1/9/2021 से 7/9 तक रोल नंबर एवं जन्मतिथि लॉगिन कर अपनी चॉइस फिलिंग करने का कष्ट करें। धन्यवाद MP ऑनलाइन DHS। यानी कि स्टूडेंट, जो आपकी PNST की काउंसलिंग है, आपको क्या करना है, जो DHS की ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है और आपको 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक आपको क्या करना है, अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। अब जो चॉइस फिलिंग करनी है वो कैसे क्या करनी है, आपको यहाँ पर दिया गया है रोल नंबर एवं जन्मतिथि के अनुसार आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के पास क्या है कि ये जो यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर देखने को मैसेज मिल रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट के पास क्या है, ईमेल भी आया हुआ है, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट के क्या आया हुआ है, मैसेजेस भी आया हुआ है। तो सभी स्टूडेंट सबसे पहले जाएं, उस मैसेजेस को देखें, जिसके पास ईमेल नहीं डला हुआ तो उसके पास मैसेज भी आए हैं, तो सभी स्टूडेंट उसको जाएं, वहां पर देखें अच्छे से और अपनी काउंसलिंग करवाएं। उसमें इसमें काउंसलिंग कौन कौन से स्टूडेंट करवा सकते हैं? काउंसलिंग वो स्टूडेंट करवा सकते हैं जिन्होंने अभी तक गवर्नमेंट काउंसलिंग का वेट कर रहे थे, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के लिए वेट कर रहे थे, वो स्टूडेंट्स में क्या है, PNST की काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब इसके अलावा जो एक और चीज़ है कि सर ऑटोनॉमस कॉलेज वाले करवा सकते हैं, तो इसमें क्या है कि जो ऑटोनॉमस कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं, इसमें क्या है कि काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग क्या है कि जो स्टूडेंट क्या है कि ऑटोनॉमस कॉलेज, जिन स्टूडेंट ने ऑटोनॉमस कॉलेज ले लिया है वो इसमें चॉइस फिलिंग नहीं करवा सकते हैं। अब इसमें स्टूडेंट को डाउट है कि सर क्या कम नंबर वालों के सिलेक्शन हो सकते हैं, यानी कि जिन स्टूडेंट के क्या है नंबर्स कम है वो स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सकता है क्या PNST गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में? तो स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिन स्टूडेंट के नंबर कम है वो भी इसमें चॉइस फिलिंग करवा सकता है। जो स्टूडेंट को लग रहा है कि इनका सिलेक्शन हो सकता है, तो अब जाके सिलेक्शन के बारे में सारी आपका सिलेक्शन उसमें हो सकता है। स्टूडेंट, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी इस यूट्यूब चैनल के वीडियो के माध्यम से। यदि आपको अच्छे लगा हो तो इस मेहनत को ज़रूर लाइक करें, ठीक है। इसके बाद में भी आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ जिसके बारे में आपको और भी आगे इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट PNST की प्रिपरेशन करना चाहता है GKM के नर्सिंग करियर पॉइंट के साथ कर सकता है। प्ले स्टोर पर जाके आप GKM नर्सिंग करियर पॉइंट का जो एप्लीकेशन है उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।